ये है जी स्टेपल गन। स्टेपल तो चलो ये हो गया, गन कैसे? गन इसलिए क्योंकि इसकी जो प्रेशर है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो रफ्तार है, वही इसकी पहचान है बाबू भैया। टेंशन नहीं लो, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। साइड पे हो जा, आ जा बेटा भाई। ये इसका लॉकर खुल गया, इसको ऐसे करके जोर से प्रेस करोगे ना तो इसकी ऐसी आवाज आती है, क्योंकि हमने इसको यहाँ से पकड़ना था तो यहाँ पे एक रबर भी लगी हुई है, ये चेक करो, येलो रंग की। इस रबर का क्या काम है? ये आपके नरम नाजुक गरम हाथों की त्वचा को मुलायम रखती है वो भैया। चेक कर रहे हैं इसके काम। ये इसको प्रेस करके ऐसे नीचे करोगे तो ये बाहर आया था, ये चेक करो, ये बाहर आ गया। इसके अंदर अब पिंस डलती हैं। इससे पहले मैं पिंस डालूं आपको, इसका मैं पूरा नाम बता देता हूं। ये चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ हैवी ड्यूटी थ्री वे स्टेपल गन। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तीन कैटेगरी की पिन डलती है। पहली पिन, पहले वाली जो पिन है वो ये वाली पिन है, ये हाफ रेक्टेंगल टाइप की पिन है, ये इसके साथ फ्रेम में मिल जाती है। दूसरी कैटेगरी की पिन है वो राउंड शेप पिन है, और जो तीसरी कैटेगरी है वो नेल टाइप पिन है। ये तीन कैटेगरी यहाँ पे पिन डलती है। तीनों पिन अलग अलग तरीके से डलती है। ये हाफ रेक्टेंगल टाइप वाली पिन ऐसे करके ना साइडों पे डलेगी, इधर और इधर वाली साइड पे ऐसे करके, मैं ऐसे करके डाल दूंगा, ये चेक करना। ये ऐसे करके मैंने डाल दिया, ये डल गई। जो राउंड वाली पिन है ना, ये साइडों पे डली है, राउंड वाली पिन इसके दरमियान में डलेगी, यहाँ पे डलेगी वो ना, दोनों के दरमियान में। और जो नेल वाली पिन है, थर्ड वाली पिन, वो साइड पे डलेगी, यहाँ इस साइड पे आप डाल सकते हो या इस साइड पे आप डाल सकते हो। राउंड शेप वाली पिन है और जो नेल वाली पिन है वो मुझे यहाँ से बाजार से नहीं मिली, मैंने काफी पता किया लेकिन नहीं मिली। ये जी इसके अंदर डल गई, पीछे से हम कर देते हैं इसको बंद। अब दिखाते हैं आपको, आ जाओ। सबसे पहले हम इस टेबल पे टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू का क्या सिस्टम है? ये बेसिकली इसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और रिलीज कर देता है। अभी ये फुल ना हल्का है, यहाँ पे चेक करो, फुल हल्का सिस्टम। अभी मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लगाते हैं जी, 1 2 3। ये चेक करो, अभी मैं इसमें पिन लगाई है तो ये ऊपर है, अंदर नहीं फुल गई ना। जैसे इसका मैं अभी प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपने कितना इसको ना अंदर लेके जाना। ये मैंने टाइट कर दी है, अब भी स्किन आप चेक करना कैसे लगती है। ये इसका चेक करो और इसका रिजल्ट चेक करो। इसकी बैक साइड पे ये भी लगा हुआ है, इसे आप निकाल भी सकते हो, ऐसे करके निकालते हैं। नहीं निकल रही है, काफी ज्यादा टाइट हो जाता है, हमारे दांत कब काम आने। इसको साहब नहीं निकल रही यार, ज्यादा कुछ टाइट हो गया। ये निकल गई लेकिन टूट गई अंदर ही। यहाँ पे अपना इसको स्टेपल करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे लग गया। अब हम लगाते हैं जी इसके साथ ऐसे करके पिन, एक पिन, ये चेक करना, दो पिन। ये वाली जो पिन ना मैंने इस तरह ना हाथ रखे ना, उसको सपोर्ट देके फिर लगाई है, अच्छी लगी। इस वाली पिन को मैंने ऐसे ही लगाया है, हाथ नहीं ऊपर कोई भी रखा, तो ये पिन ना ऐसे टेढ़ी सी लगी है, तो ऊपर आप हाथ रखोगे ज्यादा सही तरह लगेगी, तो इस तरह ना ये आराम से लग जाती है। ये चेक करो, फुल मैंने निकाल लिया लेकिन टूट गई अंदर ही, ये इधर ये आधी अंदर ही फंस गई है, तो मतलब सही ना हार्ड वाला ये ना काम करती है। यहाँ पे छोटी छोटी लकड़ियाँ, इनको आपस में जोड़ते हैं और आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ मैं। ये मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ये वैसे मुझे लगता है काफी ना मोटी हो जाएगी, लेकिन शायद चेक कर लेते हैं फिर भी। नहीं, इसकी विड्थ है जो काफी ज्यादा है इस पिन के कंपैरिजन में, तो ये इसके साथ नहीं काम करेगी, हमें थोड़ी सी पतली पकड़नी पड़ेगी। ये वाली दो पकड़ लेते हैं, आ जा, ये आ गई हमारी पिन, फिर इसको लगाते हैं ऐसे और इसको लगाते हैं ऐसे। अब चेक करना जी, इसको ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, अच्छे से लगेगी। ये लग गई, अब इसमें लगाते हैं, ये भी लग गई। ये अब चेक करो, ये एस बन चुका है, इसका मतलब क्या आपको पता है। सब्सक्राइब करो भाई जान, सब्सक्राइब करो। बाकी आप यहाँ पे चेक करोगे तो काफी ना स्ट्रांगली ये ना अटैच हो गया, फिर इसको मैं निकाल लूंगा तो ये लकड़ी ढूंढने वाली बात है, लेकिन ये नहीं निकलेगी यहाँ पे। चेक करो, लकड़ी का तो टेस्ट होते रहता है यार, लेकिन इसका कौन टेस्ट करेगा, तो इसके अंदर घुसाते हैं इसको, ये लगती है कि नहीं। मुश्किल है वैसे ना, हम भी वैसे पुठे पुठे पंगे कर रहे हैं। नहीं, ये चेक करो, ये बिल्कुल ना ऐसे करके ना कल सी बन गई है। ये चेक करो, यहाँ पे मेरे पास टाइल्स के ना दो पीसे, तो इनके अंदर लगा के चेक करते। नहीं भाई, कोई सीन नहीं हुआ, निकली है ना वो, कहाँ पे गिर गई है, ये चेक करो कहाँ पे आ गई है। ईंट का जो कर्ल था वो फिर भी ना थोड़ा दूसरी तरह टाइप का था, इसका तो बिल्कुल ना एम बन गया। एम फॉर क्या मतलब, एम फॉर मोहब्बत। चलो भाई आगे चलते हैं। मैट्रिक की फिजिक्स की बुक आ चुकी, अभी वो लेने गया था अपनी बुक, ये जो हमारा कैमरा मैन है, इसे स्टेपल करवानी थी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन मामा इसको कहती है तुम यहाँ पे लगाओ ताकि ये खुले ही ना, क्योंकि तुमने खोली तो होती नहीं है। खैर, हम इसको लगाते हैं जहाँ पे हमें लगानी, यहाँ पे सेंटर पे हम इसको रखते हैं। चेक करो कैसी लगी है ना, फुल हैवी करके, एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं। इसकी जो पिन है वो यहाँ तक आ गई है, इतनी बुक बच जाती है फिर भी ना। वलीद कह रहा है कि किस साइड पे भी लगा दो ताकि तेरा बुक मेरी सही से हो जाए रेडी, तो एक किस साइड पे भी लगा देते हैं। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, तीनों साइड पे। अब इधर से भी टाइट है माहौल और उधर से भी टाइट है माहौल, इस तरह आपको फिर 6 ना पिन लगानी पड़ेगी। बाकी वैसे मुझे लगानी यहाँ पे चाहिए थी क्योंकि वो लीने खोलनी तो है नहीं। खैर, ओके साइड पे हो जाए। ये अब चेक करो, यहाँ पे सोलर लाइट लगी हुई है, तो इसके अंदर लगाते हैं और चेक करते हैं भाई अंदर घुसती है कि नहीं। ये बेसिकली प्लास्टिक है, तो ऊपर प्लेट पे नहीं हम लगाएंगे, साइड पे लगाएंगे। नहीं, अंदर दो सुराख हुए हैं लेकिन बात नहीं बनी। एक दफा इस धरती माता इस जमीन के अंदर इसको चेक कर लेते हैं, ऊपर से पकड़ना पड़ेगा, जानी तो नहीं है वैसे, लेकिन हमें हम इधर से उड़ के ही चला गया वो ना कहीं पे। ये चेक करो, इधर बिल्कुल दो निशान पड़े हैं लेकिन वो कहाँ पे गया, कहाँ पे उड़ के चला गया, मुझे लगता है सब्सक्राइब करने गया। ये लोहे की पतली सी स्ट्रिप है, ये आप चेक करो ना, अंदर से खाली है ऐसे करके, तो इसके अंदर ट्राई करते हैं लगती है कि नहीं। कोई नहीं लग रही, अंदर ही गरीब फंस गई है।
नहीं, सीधी की सीधी बाहर आ गई है। नहीं भाई जान, ऐसे उल्टे सीधे काम ना करना आप इसके साथ। तकरीबन 15-20 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अगर पिन कहीं इसके बीच में कभी फंस जाए और ना निकले, तो आप ना इसको यहाँ से इसका स्क्रू खोल के इसको अंदर से ना ये वाला सारा पार्ट इस तरह बाहर निकाल के अंदर से पिन निकाल के फिर वापस इस तरह जोड़ सकते हो। दोनों लकड़ियां वैसे टेढ़ी हैं तो इनको ये फिर वापस आ रही है। चेक करते हैं इनको, फुल इस तरह पकड़ के रखता हूँ, लगाते हैं वाला लगती है कि नहीं। मुश्किल हो जाना वैसे ना, अटक गया वैसे। एक दो और लग गई ना शायद बात बन जाए। एक यहाँ पे लगाते हैं। ओहो, क्या बात है जी, क्या बात है, हमने कर दिखाया। हो सकता है ये थोड़ी देर बाद वापस आ जाए लेकिन फिलहाल लग गई है सही, टाइटली ना लग गई है। यहाँ पे आप चेक करो, अगला दिन आ गया, अभी तक ये ना मेंटेन है, यहाँ से ये निकली नहीं है। जिसका मतलब आप समझ जाओ क्या है, बताओ जी इसका मतलब क्या है। ये कामयाब हो गई अपने काम से। इसकी यार अभी थ्रो चेक करता है ये गन ना कितनी दूर तक जाती है, मतलब इसकी जो पिन है वो कितनी दूर तक जाकर ना हमारा बंदा मार सकती है। इस तरह मारता हूँ सीधा रख के, ये हो एक क्लिक। आ जा भाई, कहाँ पे गई है, किधर गई है? पहले वाली गोली हमें नजर नहीं आई, एक दफा फिर से ट्राई करते हैं, अभी दूर से करते हैं जरा। 1 2 3 आई थी ना नजर, आ जरा सीधा गई है, सीधा गई है। फिर किधर गई, नजर आ गई है, ये चेक करो। यहाँ पे आके ना गिरी तकरीबन यहाँ से ना, इसका शॉट मारा, ये जो मरून सा कलर है इसके आगे जाके ना ये गिरी है। प्रेशर चेक करो जी, लेकिन अभी हम आपको इसका प्रेशर चेक करवाते हैं। यहाँ पे अभी आप चेक करो, वो बंदा वहाँ पे खड़ा और ये है जी हमारी गन। अब ये चेक करना, मैं निशाना इधर को लगाऊंगा लेकिन वो बंदे को गोली लगेगी। क्या बात है भाईजान, क्या हुआ, आप ठीक हैं? ज्यादा तो नहीं लगी? बिल्कुल, मेरे लिए ये छोटी मोटी बात ही है। मुझे लगता है आप बॉलीवुड में काम करते हो, 4-5 गोली से पहले मरते नहीं हो। लकड़ी के साथ ये डेफिनेटली ज्यादा अच्छे से काम करती है। हमने इसको बेसिकली एक छोटा सा पिंजरा बनाया था तोतों के लिए, वो हमने बना लिया इसके साथ, तो हमने उसके लिए ना इसको बाय किया था। नॉर्मल आपको हार्डवेयर की दुकान से ही आराम से मिल जाती है। इसकी जो प्राइस है वो 1000 पीस की ना आपको मिल जाती है। बाकी ये जो हम मौज मस्ती कर रहे थे एक अलग पार्ट है। और बस यार आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे ख्याल में हमें लास्ट वाली निशानी यहाँ पे छोड़ के जानी चाहिए, इसके अंदर भी घुसाते हैं एक। ये क्या बात है, वो बेचारे का खून निकलने लग गया। ये जख्मी हो गया, दरख्त इधर आके चेक करो, हमारा लाल रंग का खून, इसका सफेद रंग का खून। हाय 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 हाय, बाय बाय, बंद कर दे यार, उसको दर्द हो रहा है, बंद कर दे।